एक चिड़िया थी, वह मेहनती और भोली भाली थी। वो इधर उधर से तिनके इकट्ठे करके पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। चिड़िया ने कपड़े की कतरने धागे और सुतलिया जमा कर घोंसला में बिछा दी। अब वह अपने घोंसले में आराम से बिताती, दिन में दाना चुनकर इधर उधर फुदकती। इस प्रकार वह सुखी पूर्वक अपना गुजारा करती थी। फिर एक दिन टहलते टहलते बहुत ही होशियार चिड़िया आकर उसके पेड़ पर बैठ गई। और फिर चालक चिड़िया सोची, बुलबुली चिड़िया बहुत ही भोली भाली है, मैं इससे दोस्ती कर लेती हूँ। और फिर कुछ दिन बीत गए, दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन चालक चिड़िया बोली, बुलबुली हम दोनों पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर खेती करें। यह बात बुलबुली चिड़िया को बहुत अच्छी लगी। वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। दोनों ने घूम फिरकर एक खेत चुना। गर्मी बीत गई, बाजरे की बुवाई का मौसम आ गया। बुलबुली ने कहा, चलो साथ में हम दोनों खेत की जुताई करते हैं। फिर चालाक चिड़िया बोली, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मैं तेरे लिए भी लाता। चिड़िया अकेले ही सारा दिन खेत में काम करती रही, लेकिन चालाक चिड़िया नहीं आई। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद बुलबुली चिड़िया बोली, चलो साथ में बीज बोने चलते हैं। फिर से चालाक चिड़िया अपने पहले वाले अंदाज में बोली, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। बुलबुली सारा दिन बीज बोती रही, लेकिन वह नहीं आई। फिर कुछ दिन बाद बाजरे की खेती बहुत अच्छी हुई। फिर चालाक चिड़िया बंटवारे के समय खेत में पहुंच गई। उसने आव देखा ना, ताव झट से दूसरे ढेर पर जाकर बैठ गई। फिर बुलबुली अपना सारा अनाज ढोकर घर लाई और चालाक चिड़िया उसी पर बैठी रही। बारिश आई, उसका सारा अनाज भीग गया।